नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सतचंडी महायज्ञ का आयोजन श्री श्री 108 सिद्धपीठ काली स्थान शायद नगर खराजपुर में होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा जिला की, जहां शायद नगर शक्तिपीठ काली माँ मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूरे जिला से ही नहीं अन्य जिलों से भी यहाँ पर आते हैं। बंगाली श्रद्धालु भी बंगाल से आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, यहाँ साधना करने के लिए, माँ के चरण में बैठने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। हम बात कर रहे हैं काली माँ मंदिर, जहाँ आपको बता दें कि भव्य रूप से 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सतचंडी महायज्ञ जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है वो इस वर्ष भी किया जाएगा। सुमन जी मुख्य पुजारी हैं, उनका इंटरव्यू सुनाएंगे। अमित कुमार हैं जो मुख्य पुजारी यहाँ पर पंडित हैं, वो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। पंडितों के द्वारा लगातार मंत्रोच्चारण के साथ हवन होगा 22 से 31 तक। आपको बता दें कि जो भी श्रद्धालु जैसे यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं वो आते रहेंगे, उनका जो भी समस्या है वो पंडितों के द्वारा सुना जाएगा। ये भी बताया गया है कि जो भी यथासंभव होगा माँ के चरण में आकर हवन में जरूर भाग लें और खुद को भगवान बनाए। इस तरह की बातें जो है यहाँ पर पंडितों के द्वारा किया गया है। बहुत ही भव्य तरीके से इस शायद नगर काली मंदिर में जो पूजा पाठ होता है वो काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी पुराना यहाँ का इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। इस वजह से लोग यहाँ पर दौरे हुए कुछ भी अगर कहीं से भी तकलीफें होती है लोगों के घर में, लोगों के जीवन में, तो लोग दौड़ के आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा तकलीफ माँ सुन लेगी और मेरा जीवन सुखमय होगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पर जो ऐतिहासिक चला आ रहा है वो हम आपको पंडितों के द्वारा क्या कहा गया है वो उनके इंटरव्यू में सुनाएंगे। बगला मुखी माँ के मंदिर में देख सकते हैं, इनका भी यहाँ पर जो महायज्ञ होगा उसमें कहीं ना कहीं हवन होगा और पूजा पाठ होगा। साथ ही आपको बता दें कि बगला माँ मुखी के आरती को पढ़िए, स्मरण करिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं। 22 तारीख से हर एक साल क्या होगा यहाँ पर? 22 तारीख से सतचंडी महायज्ञ होता है, अनवरत आज से नहीं 2530 साल से होते आ रहा है। उसमें माँ बगलामुखी का होता है 1,25,000 जाप, महामृत्युंजय का बहुत तरह का पूजा पाठ, हवन 24 घंटा अनवरत हवन होता रहता है। यहाँ 40-45 को पंडित जी सब रहते हैं, कीर्तन नाम धुन चलता रहता है। तो जो हर एक साल की भांति इस साल भी हो रहा है। कितने तारीख से? 22 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक। 31 मतलब 9 दिनों का लगभग आयोजन? 9 दिन का आयोजन। तो इसमें सबसे पहले दिन क्या होगा? सबसे पहले दिन से वो जो होता है पूजा का विधान होता है, जो संकल्पित होगा, संकल्पित होने का सब चीज़ का स्थापना होगा, सब बहुत तरह का चक्र का स्थापना होगा। फिर अपना पंडित जी से उनका ड्यूटी बना जाएगा, बहुत आदमी उसमें 108 आवृत्ति दुर्गा सरस्वती का पाठ होगा, बहुत पंडित जी बगलामुखी के जाप करेंगे, बहुत पंडित जी महामृत्युंजय का जाप करेंगे। फिर महादेव का रोज अपना अभिषेक होता रहता है, हवन का फिर स्थापना हो करके अनवरत 9 दिन 9 रात तक हवन चालू रहेगा। तो जो 9 दिन होगा हवन, जो सामान्य पूजा सब दिन होता है वो होता रहेगा? वो सामान्य पूजा होता रहेगा, ये विशेष पूजा नवरात्रा में होता है। तो विशेष नवरात्रि पूजा में चैत्री नवरात्रा में, चैत्री नवरात्रि मतलब कल स्थापन से शुरू हो जाएगा? हाँ, 10 मई को विसर्जन होगा। 10 मई को? तो यहाँ जो लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं वो आएंगे? वो आते रहेंगे। जो जो अपना चलता रहता है वो अपना चलता रहेगा, वो अलग मतलब पूजा है। जी, तो मुख्यतः ये पूजा का नाम क्या है जो 22 तारीख को होने वाला है? चैत्री नवरात्रा में हर एक साल होता है सतचंडी महायज्ञ उसको कहते हैं। जी, कहाँ पर होगा? जगमंडप वहाँ पर है, सामने में माता के सामने काली मंदिर शायद नगर लहरिया सराय बोलते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम तांत्रिक सुमन बाबा बोलते हैं। क्या कुछ लोगों से संदेश भी देंगे, कुछ कहेंगे भी लोगों को? लोगों को कहेंगे कि जहाँ तक जितना भक्त आकर के सालों भर ऐसे भी लोग आते हैं उसमें आकर के विशेष कृपा भाजन बने, आशीर्वाद दिले, सावन यज्ञ में सम्मिलित होकर के सब परिवार का अपना खुशी का कामना करें।